हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 10th क्लास का ये वीडियो है। चैप्टर अपना 2 है, पॉलीनोमियल। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है अपन को, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। अब देखो, इस क्वेश्चन में अपन को दो जीरोस गिवन है और क्या गिवन है अपन को, एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, दो जीरोस गिवन है, इक्वेशन गिवन है, अपन को क्या करना है इसके और जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इक्वेशन में देखते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, कितनी है, यहाँ पे 4 है। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है। तो मतलब जो अपन को इक्वेशन गिवन है उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब जो इस इक्वेशन के जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अब ये बोल रहा है कि दो जीरोस तो आपको गिवन है, तो और निकालने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये। ठीक है, दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस और निकालने अपन को किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, अब देखो दो जीरोस और कैसे निकालेंगे। देखो ये दो जीरोस अपन को क्या है, गिवन है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, डिवाइड करके निकालना है जीरो। जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड के अंदर क्वेश्चन अपना आता है, तो उस क्वेश्चन की हेल्प से ही अपन जीरो निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, अपन जो ये डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, और ये लास्ट में जो रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो जो मतलब जो अपन को इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कौन सा जो फैक्टर होगा जिससे अपन इसको डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर को फाइंड आउट करके अपन क्या निकालेंगे, इसके दो जीरो और निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन तो अपन को गिवन है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये दोनों क्या आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स, ये जो दो जीरोस तो गिवन है और जो अपन निकाल रहे हैं इसका फैक्टर अपन ने क्या मान लिया, एक एक्स मान लिया। एक्स एक ऐसा फैक्टर है जिसकी हेल्प से अपन को क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी, और जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे। तो अपने क्या एक इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे अपन क्या निकालेंगे, दो जीरो और निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने क्या मान लिया कि जो फैक्टर इस इक्वेशन का फैक्टर एक एक्स है। ठीक है, तो देखो ये जो जीरो तो दो है, तो इसमें क्या करवाएंगे अपन, एड करवा देंगे। तो देखो एक तो क्या है, प्लस किया है, तो एक्स प्लस √5/3 और एक्स −√5/3। ठीक है, तो दोनों को क्या करवा दिया अपन ने, एड करवा दिया। अब यहाँ पे माइनस की साइन और यहाँ पे प्लस की साइन है, तो माइनस प्लस की साइन लगा दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिंपल इसी वजह से क्या आपने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों में क्या है, रूट है, तो रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x²-5/3, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे तो 3 इसकी क्या आ गई, एलसीएम, 3 एलसीएम आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 की टेबल में 3 टाइम 3x²-5/5। अब 3 जो है यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, और बचा क्या अपना 3x²-5। तो ये क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल एक्स। तो मतलब जो ये एक्स अपन ने लिया था, एक्स क्या लिया था, इस इक्वेशन का फैक्टर लिया था, तो वो फैक्टर की एक परफेक्ट वैल्यू आ गई है अपने पास। ठीक है, तो जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3x²-5। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो इसका क्वेश्चंस निकल जाएगा और उसी क्वेश्चन से अपन क्या निकालेंगे, दो जीरोस और निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो देखो ये अपने क्या आ गया, अपने एक वैल्यू आ गई, इसका फैक्टर निकल गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर निकल गया। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल सा डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो आप सबको आ रहा ही होगा, अपने
जो है क्वेश्चन नंबर वन और टू में डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 3x की पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो 3 का 3 भी पड़ा है, x की पावर 2 है, तो इसको x 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 x स्क्वायर x स्क्वायर x 4 आ गया, माइनस का माइनस 5x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने क्या, अब देखो ये फिर सेकंड स्टेप अपने साइन चेंज क्या होता है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो गया, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 6x क्यूब सेम टू सेम लिखा, अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 कैंसिल, बचा क्या 3, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो प्लस 3x स्क्वायर, अब ये जो लास्ट में बचे वो सेम स्केल लिखेंगे नीचे, अब देखो माइनस 10x माइनस 5, ये अपन ने नोट डाउन कर लिया। अब देखो अब इसको किससे करवाना है, यहाँ पे 6x क्यूब है, तो किससे करवाएंगे अपन, 3 तो पड़ा है, 2x लेंगे, क्या लेंगे, 2x, 2 3 जा 6x और x स्क्वायर इज जा x क्यूब, ठीक है, और माइनस का माइनस 2 5 जा 10x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे जो अपना आंसर आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने नोट डाउन कर लिया, अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसल आउट, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर तो है ही है, और अपन ने क्या करना है, तो प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, अब प्लस 1 का, तो ये सेम वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 5, अब ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। अब देखो जो अपना ये इसका क्वेश्चंस निकले हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ये जो निकला है अब ये किस फॉर्म में है, इसकी जो निकला इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन अब इसमें जीरो दो जीरो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो कितनी, 2 है, ठीक है। अब सिंपल सा जीरो निकालना है, तो जीरो अपने कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, मतलब दो जो ये जो मिडिल टर्म है इसको दो जो है वैल्यू में डिवाइड बांटना है, जिसके जिसमें क्या करें अपन, जिसका प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म का आंसर आए, और इसको मल्टीप्लाई कराए तो इन दोनों का आंसर आए, सिंपल सा है, अपन ने जो एक्सरसाइज 2.1 में किया था। तो देखो यहाँ पे 2x है, तो x और x ले लेते हैं, और यहाँ पे भी x स्क्वायर ही आ जाएगा, और जो वैल्यू सारी प्लस में तो प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ पे बीच में क्या लिखा अपन ने, x और x, x इंटू x 2x आ जाएगा, ये जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और x प्लस x क्या करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, कॉमन लेना, x स्क्वायर और x में कॉमन लेना, x और प्लस 1 में कॉमन लेना, तो यहाँ पे x अपन ने क्या ले लिया, कॉमन। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल, बचा क्या, x प्लस का यहाँ पे क्या बचा, 1, और यहाँ पे अपन ने क्या ली, 1, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, x प्लस 1, और इन दोनों पे एक बार x प्लस 1। अब देखो ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल होती है, अपने जीरोस के इक्वल होती है, मतलब कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब देखो दो जीरो और कौन कौन से आ गए इसके, अपन को ये पूछ रहा था कि इसके दो जीरो और जीरोस फाइंड करो, तो दो जीरोस तो गिवन थे अपन को, रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, और दो जीरो और आ गए, माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन है 4 जीरोस, कौन कौन से, रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3
और ये -1 और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। और सेम एज ऐसे भी दे सकता है, -1 -1 अपन को दे दे और बोले कि इसके जो दो जीरो और फाइंड करो। सिंपल वे से अपन को करना है, x एक फैक्टर ले लेना है, ठीक है, और फिर सेम वे से अपने जो इक्वेशन है उसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर से जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से अपने जो जीरो के फॉर्मूला लगा के अपन को क्या करना है, इसका सिंपली वे से जीरो निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना और एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है।